स्वागत है आप सबका। आज हम लोग 12th क्लास के लिए NCERT बुक में मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4, मतलब चौथे चैप्टर पे जो मिसलेनियस एक्सरसाइज दिया है, विविध प्रश्नावली दिया है, उसमें हम लोग 9 नंबर क्वेश्चंस आगे की ओर सॉल्व करना सीखेंगे। आपको हम बता दें कि जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं उसको बढ़िया से आप देख लेते हैं तो क्वेश्चन का सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा, साथ साथ में ट्रिक्स भी मिल जाते हैं आपको। और सुनिए, ऑब्जेक्टिव की बात हो या ट्रिक्स की बात हो, आपको जाना है यूट्यूब पे और सर्च करना है मैट्रिक्स ट्रिक बाय आर के सिंह, डिटरमिनेंट ट्रिक बाय आर के सिंह, वेक्टर ट्रिक बाय आर के सिंह, डिफरेंशिएशन ट्रिक बाय आर के सिंह। चैप्टर का नाम ट्रिक और बाय आर के सिंह लिखेंगे, आपके सामने वीडियो आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव ट्रिक बाय आर के सिंह, मैट्रिक्स ऑब्जेक्टिव ट्रिक बाय आर के सिंह, वेक्टर ऑब्जेक्टिव बाय आर के सिंह, मतलब ऐसे करके आप मतलब कि वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। और वन शॉट जो वीडियोज का सीरीज है ना, उसको देखकर आप बहुत ही प्रॉफिट उठा सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करें, इसमें इसको इवैल्यूएट करना है, मान निकालना है। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हम लोग चाहें तो पूरे कॉलम को ऐड कर सकते हैं या रो को ऐड कर सकते हैं। लिखेंगे अप्लाइंग, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, सबको ऐड कर सकते हैं या सब कॉलम को ऐड कर सकते हैं। अप्लाइंग C1, कैसे, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा। देयरफॉर डेल्टा बराबर डेल्टा इक्वल टू, देखिए 2x 2y, तो 2x 2 कॉमन कर लीजिए, x प्लस वाई, इसमें भी वही होने वाला है, 2 कॉमन होगा, x प्लस वाई, इसमें भी यही होने वाला है 2x प्लस वाई, आ जाइए वाई एक्स प्लस वाई एक्स, एक्स प्लस वाई एक्स वाई, ऐसे होना है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब जो बात है उसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। हम लोग इस फर्स्ट कॉलम से ये पूरा पार्ट कॉमन कर सकते हैं, तो 2 एक्स प्लस वाई, 1 1 1, वाई एक्स प्लस वाई एक्स, एक्स प्लस वाई एक्स वाई, ऐसे हो गया। जैसे 1 आता है काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करने वाले, देखिए यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग, अप्लाइंग का मतलब अनुप्रयोग करने पर, अप्लाइंग R1 से R2 माइनस किया, R1 कैसे बनाया, R1 माइनस R2, एंड R2 कैसे बनाया, R2 में से R3 को घटाया, ये काम हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए देयरफॉर डेल्टा बराबर क्या होगा, 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 1, सॉरी यहाँ पे हम छोड़ दे रहे हैं, गलती होगा ना, ये छूट जा रहा है, 2x प्लस वाई 0 0 1, समझ रहे ना। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें से घटेगा तो y से y कटेगा, तो हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा y, x उधर जाएगा, x x कटेगा तो y हो जाएगा x, सॉरी x माइनस y हो जाएगा ये, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका y। फिर समझिए 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0, राइट, 1 का 1, इसमें से घटेगा तो y से y कट गया माइनस x, इसमें से घटेगा तो x x कट गया y, x का लिखा गया, x x कट गया y आ गया, और x माइनस y, ठीक है y। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखिए हम लोग इस रो को चूज कर लेंगे, डिलीट डिलीट हो जाएगा, तो 2 x प्लस y 1 कर लिया, डिलीट डिलीट माइनस एक्स वाई, वाई एक्स माइनस वाई, है ना। अब क्या होगा, 2 x + y, देखिए हिंट्स लीजिए, 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस एक्स वाई, है ना, और उसके बाद क्या होगा, इससे गुणा करेंगे इसमें, तो माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ तक मीटर बनाया हमारा, ठीक है। हम लोग बड़े प्यार से, हम लोग चाहते इसमें से माइनस कॉमन कर सकते हैं, तो माइनस चला गया बाहर, 2 x + y, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर,
तो हम देख रहे हैं a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस टू ए क्यू और प्लस बी क्यू, यही क्या हो गया आंसर, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। तो इवेल्युएशन करने पर, इसका मान निकालने पर ऐसा ही आंसर आएगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, यही आपका क्या हो गया सोल्यूशन हो गया। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। तो हम लोग अब चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पे, कि 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राइट। अच्छा लगा है लाइक करते चलिए, लाइक करने से मतलब कि हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि आपको लाइक कर रहे हैं आप लोग, अच्छा लग रहा है तो हम अच्छा से कंटेंट देंगे, राइट। 10 नंबर क्वेश्चन की कहानी क्या है कि इसको भी इवेलुएट करना है, मान निकालना है इसे, तो इसका वैल्यू क्या हो सकता है, इससे फोकस करने जा रहे हैं हम। आइए देखा जाए तो यहाँ से देखिए, 1 1 जैसे दिखता है काम आसान हो जाता है, लिखेंगे अप्लाइंग, क्या अप्लाई करने जा रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए, अप्लाइंग, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो R1 कैसे बनाया, R1 को कैसे अप्लाई किया, R1 में से R2 को घटा लिया, सबट्रैक्ट कर लिया, एंड R2 कैसे बनाया, तो R2 में से R3 को सबट्रैक्ट कर लिया, इसमें से ये, इसमें से घटा लिया। अब यहाँ पे थोड़ा जरा ध्यान से देखिएगा, तो therefore डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, चलिए 1-1 बिकम 0, 1-1 0 हो जाएगा और 1-1 का 1 रह जाएगा, इसमें से घट रहा है तो x कटेगा माइनस वाई हो जाएगा, x कटेगा वाई हो जाएगा x, राइट। यहाँ तक तो हमारे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वाई माइनस वाई 0 और ये घटेगा तो माइनस एक्स होगा और ये वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई, तो ये आसान है, ठीक है ना। यहाँ पे इसको चूज कर रहे हैं डिलीट, डिलीट तो यहाँ दिख रहा है हमको क्या मिल गया, 1 इंटू डिलीट डिलीट माइनस वाई 0 वाई माइनस एक्स, यही तो आपको दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो एक्स वाई माइनस 0 डैट मीन्स एक्स वाई क्या हो गया आंसर हो गया, एक्स वाई क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो अब जो आने वाला प्रश्न है 11 नंबर, वो भी काफ़ी मजेदार क्वेश्चन है, उसको देखा जाए, राइट। 11 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए LHS हम लिखे हुए हैं, RHS देख सकते हैं क्या है इसमें, क्या है कि ये आपका दिख रहा है C1 पहला कॉलम, ये C3, तो अगर ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे अप्लाइंग, अप्लाइंग क्या चीज, C1 कैसे अप्लाई किया, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे हम लोग अप्लाई करेंगे, तो डेट मीन्स क्या हो जाएगा, बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पे C1 को अप्लाई किए तो सबको ऐड कीजिए इसमें, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बीटा वही चीज़ लिखाएगा ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, गामा प्लस बीटा, ये हो जाएगा। तो ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये कॉमन करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 1 1 1, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, गामा प्लस बीटा, ये आपका हो गया। जैसे 1 आया काम आसान हो गया, 1 आने पर क्या होता है काम आसान होता है, लिखेंगे अप्लाइंग, क्या फ़ायदा है, देखिए क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, ये R1 है, R2 है, R3, तो R1 में से घटाएंगे R2 को, एंड R2 कैसे बनेगा सर, तो R2 में से घटाएंगे R3 को, ठीक है। तो चलिए क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 1-1 0 0 1, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, गामा स्क्वायर,
घटाएंगे तो अल्फा गामा से गामा कट जाएगा, बीटा माइनस अल्फा होगा सर। और बालक इसमें क्या होगा, गामा से गामा कटेगा तो अल्फा माइनस बीटा होना ही है और ये गामा प्लस बीटा ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ सिंपल समझिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें से देखिए अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, डैट मीन्स इसको लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा, चाहे अल्फा प्लस बीटा लिखिए पहले, अल्फा माइनस बीटा ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए इसमें दो पार्ट छुपा हुआ है, ठीक है। इस लाइन से हम बात करते हैं कमन करने के लिए क्या चीज़, इस लाइन से बात करते हैं कमन करने के लिए अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ से निकल जाएगा अल्फा माइनस बीटा तो ये बचेगा, और यहाँ से देखिए यहाँ से अल्फा माइनस बीटा नहीं है, बीटा माइनस अल्फा है, मतलब उल्टा है, तो उल्टा रहेगा तो माइनस लिखेंगे सिर्फ यहाँ पे। तो माइनस कैसे लिखेंगे देखिए यहाँ पे, तो इससे कमन किया अल्फा माइनस बीटा, इससे कमन कर दिया क्या हमने, देखिए आपके राइट हैंड साइड से पता चलता है, इससे करा है बीटा माइनस गामा प्रूफ करने के लिए, बीटा माइनस गामा निकालिए आप। और यहाँ कहीं मिस्टेक हुआ लगता है हमको, जब घटाए हैं तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हमने बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसमें से घटा रहे हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, देख लेते हैं हम लोग क्या है, राइट। मिस्टेक यहाँ हुआ है कि अल्फा था तो यहाँ पे हम गामा लिख दिया गलती से, अल्फा है अल्फा है और अल्फा से पकड़ गए तो गामा माइनस बीटा, डैट मीन्स गामा माइनस बीटा लिखेंगे, गामा माइनस बीटा है ना, तो बीटा माइनस गामा पूछ रहा है आपसे। चलिए उसके बाद चलिए क्या क्या बच गया, अब यहाँ पे क्या क्या बच गया उस पर फोकस करते हैं। चलिए जीरो तो बचेगा ही, जीरो वन नो प्रॉब्लम, यहाँ अल्फा प्लस बीटा बचेगा सर, अल्फा प्लस बीटा बचेगा, यहाँ बीटा माइनस गामा निकल गया है। अच्छा यहाँ क्या बचेगा, माइनस वन बचेगा, यहाँ बीटा माइनस गामा निकल रहा है तो बीटा प्लस गामा बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें तो दोनों चीज़ छुपा है ना। यहाँ देखिए यहाँ उल्टा है तो माइनस वन बचेगा, यहाँ गामा स्क्वायर, गामा स्क्वायर, गामा स्क्वायर, और ये हो गया आपका गामा प्लस बीटा, प्रॉब्लम सॉल्व। अब यहाँ से इवैल्यूएट करने में हमको कोई देरी नहीं करना चाहिए ताकि काम बन जाए। चलिए यहाँ देखिए बीटा माइनस गामा और वन इंटू डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, ये बच गए, इससे ये करेंगे तो क्या होगा, देखिए क्या क्या हो गया, माइनस अल्फा माइनस बीटा और प्लस क्या होगा, प्लस बीटा प्लस गामा, तो कुछ कटने वाला है क्या, जी बिल्कुल कटने वाला, कट गया तो आ गया आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, और देखिए कट गया तो गामा माइनस अल्फा हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा बराबर आर एच एस, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ये 11 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग प्रूव कर लिए। आइए देखते हैं 12 नंबर की कहानी क्या है, क्या मज़ेदार बात है उसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 मतलब 12 नंबर क्वेश्चन की कहानी है यहाँ पे, जिसको हम लोग को सॉल्व करने हैं। देखिए क्या है, बड़े लाजवाब तरीका सॉल्व करेंगे। RHS देखिए क्या है, क्योंकि बुक आपको सामने रखना पड़ेगा, बट यहाँ देखिए LHS से क्या रिजल्ट निकलता है। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, XYZ देखिए गौर से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वन वन वन, डैट मीन्स ये हो गया आपका पहला पार्ट। और फिर देखिए डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है कि यहाँ दो पार्ट जुड़ा हुआ है तो एक पार्ट देखिए इन दोनों को लेंगे, एक एक को ले लिया, एक डिटर्मिनेंट बन गया, फिर इन दोनों को लेंगे और इसके साथ बनाएंगे डिटर्मिनेंट, तो दोनों का वैल्यू अलग अलग निकलेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टी होता है आपको बताया गया है ना। तो अगर थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ना चाहते हैं पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में, तो सर्च कीजिएगा डिटर्मिनेंट बाई आर के सिंह, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, फिर वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ये हो गया पी एक्स क्यू पी वाई क्यू पी जेड क्यू, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हम कि अगर हम लोग चाहें, समझिए पहले क्या करते हैं ना कि एक स्टेप करते हैं यहाँ पे, तो इन दोनों को आपस में बदल देते हैं, इनको लेते हैं इधर, ठीक है, इसको इधर ला देते हैं, या मतलब वहाँ भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो समझिए ध्यान से हम क्या कहना चाहते हैं, इसको लाते हैं इधर, कुछ फ़ायदा होने वाला है, जैसे लाएंगे हम तो माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा देखिए यहाँ पे,
क्योंकि जैसे दो कूलम को आपस में बदलते हैं ना, माइनस का साइन आता है। चलिए वन वन वन, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, उसके बाद एक्स वाई जेड ये होना है, प्लस पी कमन कर सकते हैं इसमें से, पी कमन कर लीजिए, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखिए ध्यान से, पी तो कमन हो गया है, तो एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू, ठीक है, इतना आपका होना बनता है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, फिर कमन इवेल्युएट करते हैं, सॉरी ये इंटरचेंज करते हैं, इन दोनों को आपस में हम लोग बदल देते हैं, फिर माइनस आएगा बाहर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इससे कहानी ख़त्म। वन 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 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस पी रहेगा, इससे इसमें से एक्स इसमें से वाई इसमें से जेड कमन करेंगे, तो एक्स वाई जेड। चलिए वन 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 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखिए अगर पूरा की बात की जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक बात की जाए, तो पूरा में से कमन क्या होगा, इतना कमन हो जाएगा पूरा में से। तो अब यहाँ बात बन गई आपकी, पूरा में से कमन क्या होगा, मिल जाएगा वन 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 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये कमन कर लेंगे, और यहाँ बचेगा वन, और ये बचेगा पी एक्स वाई जेड, ऐसे बचेगा, ठीक है। इसको इवैल्यूएट करेंगे हम लोग, देखेंगे अप्लाइंग आर वन कैसे बनाया, आर वन माइनस आर टू को बना के, आर टू कैसे बनाया, आर टू माइनस आर थ्री को बनाकर करें हटाकर, तो क्या हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो जीरो वन, ठीक है, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर, वन प्लस पी एक्स वाई जेड, ऐसे हमने लिखा इसको, ठीक है। आइए अब इवैल्यूएट कर सकते हैं, देखिए इवैल्यूएट करने की बात क्या है कि इसमें से हम कमन भी तो कर सकते हैं सर, इसमें से एक्स माइनस वाई कमन होगा, वाई माइनस जेड कमन होगा, तो एक्स माइनस वाई कमन किया हमने, वाई माइनस जेड कमन किया हमने, और ये तो पहले से था ही, वन प्लस पी एक्स वाई जेड, और गुना आज ये चीज़ लेकर जीरो जीरो वन, वन बच गया, एक्स प्लस वाई बच जाएगा, और फिर देखिए क्या होगा, यहाँ पे वन बचेगा, वाई प्लस जेड बच जाएगा, जेड जेड स्क्वायर। देखिए अब सिंपल बात समझिए, इसको इवैल्यूएट करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, डिलीट और डिलीट, इससे करेंगे मल्टीप्लाई, इसमें माइनस ये होगा, तो वाई से वाई कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, जेड माइनस एक्स बचेगा, तो बच गया हमारा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स गुना वन प्लस पी एक्स वाई जेड, और ये क्या है सर, ये आपका आर एच एस के बराबर है, तो प्रूव्ड हो गया ये, ठीक है। तो इस तरह से 12 नंबर क्वेश्चन का भी हम लोग समापन कर दिए। आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कुछ तो विशेष होगा इसमें समझने वाला, राइट। तो यहाँ पे 13 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं, LHS हम लिखे हैं और RHS आप देख सकते हैं क्या लाना है, बिना बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास नहीं करनी है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए क्या है लॉजिक, यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग, देखिए सारा खेल क्या है, हिंट्स का है, हिंट्स लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सब काम आसान होगा। C1 ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो C1 में C2 को ऐड करेंगे प्लस C3 को भी ऐड करेंगे, तो क्या मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा, देयरफॉर ए क्या मिलेगा आपको, देखिए 3a है, माइनस ए माइनस ए मतलब ए बचेगा, प्लस बी प्लस सी ये मिल गया आपको, फिर वही चीज़ मिलने वाला है, ए प्लस ई प्लस सी, ए प्लस ई प्लस सी, एक बार लॉजिक पकड़ा गया सबका आसान होगा। आइए माइनस ए प्लस बी 3b
माइनस सी प्लस बी, इसमें आइए माइनस ए प्लस सी, माइनस बी प्लस सी, थ्री सी। अब हम लोग चाहें तो ये आर सी वन जो है इसे आराम से कॉमन कर सकते हैं, ए प्लस सी बी प्लस सी, वन 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 माइनस ए प्लस बी, थ्री बी माइनस सी प्लस बी, माइनस ए प्लस सी, माइनस बी प्लस सी, थ्री सी। यहाँ तक क्लियर बातें हैं। अब हम लोग जैसे वन आता है ना, मन खुश हो जाता है कि सर कुछ बेहतर होने वाला है। लिखेंगे यहाँ पे अप्लाइंग अप्लाइंग ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, वन माइनस वन जीरो, जीरो वन, घटा रहे ना, घटाएंगे तो क्या होगा सर यहाँ पे अप्लाइंग क्या, सॉरी ये गलती लिखा गया हमको थोड़ा सा, अप्लाइंग क्या आर वन, आर वन में से आर टू घटेगा, घबराइए नहीं सर, ये हो गया। एंड आर टू कैसे बनाया, आर टू में से आर थ्री घटाकर, आर टू में से आर थ्री घटाकर, क्लियर। अब क्या मिलने वाला है हमें, ये समझने वाली बात है। दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद वन माइनस वन जीरो, जीरो वन, इससे घटा रहे हैं तो क्या होगा, माइनस ए तो अपने जगह पे रहेगा, माइनस टू बी होगा सर, क्या होगा, माइनस टू बी होने वाली बात है, माइनस टू बी, राइट। इसमें कोई मतलब कि हमारे ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए, इसे घट रहा है तो सी से सी कट जाएगा, तो माइनस ए प्लस बी होना है। इसमें आ जाइए, इसमें आते हैं तो घट रहा है तो टू बी माइनस माइनस प्लस सी, ये हो जाएगा माइनस बी माइनस टू सी, है ना, वन माइनस सी प्लस बी थ्री सी। हम लोग क्या करेंगे, इसको ही इवैल्यूएट कर लेंगे इसके अकॉर्डिंग को, तो ए प्लस बी प्लस सी लिखा हमने और डिलीट अडिलीट, तो ये चार बच गया, तो इससे करेंगे इसमें, इससे करेंगे इसमें, तो फिर क्या होगा, माइनस इससे करेंगे इसमें तो माइनस ए इंटू बी, ए बी हो जाएगा, ठीक है, माइनस टू बी स्क्वायर, राइट। उसके बाद फिर माइन टू सी क्या होगा, प्लस टू ए सी, राइट। फिर इससे करेंगे प्लस टू प्लस फोर बी सी, राइट। माइनस इससे करेंगे इसमें तो क्या होगा, टू ए बी माइनस में, फिर इससे करेंगे इसमें तो प्लस टू बी स्क्वायर, इससे करेंगे इसमें माइनस ए सी, इससे करेंगे इसमें तो प्लस बी सी, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। चलिए तो ए प्लस बी प्लस सी रहेगा सर, उसके बाद ए बी माइनस टू बी स्क्वायर प्लस टू ए सी प्लस फोर बी सी, माइनस माइनस प्लस टू ए बी माइनस टू बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू बी स्क्वायर हो जाएगा ये। उसके बाद माइनस माइनस प्लस ए सी माइनस बी सी। चलिए यहाँ तक तो बात आ गई, तो कुछ बात बनेगी, कहीं मिस्टेक हुआ है तो देखिए बढ़िया से, प्लस माइनस का खेल है। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया हमने तो बी गुने माइनस बी गुने माइनस ए, ए बी प्लस में हो गया, फिर इससे किया तो यहाँ प्लस टू बी स्क्वायर हो, राइट, ठीक है सर। बाकी सब यहाँ देखिए, यहाँ जैसे माइनस हमने इंटर किया तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो गया, प्लस में था, कट जाएगा ये। अब लॉजिक क्या हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, देखिए ए बी प्लस टू ए बी थ्री ए बी हो जाएगा यहाँ पे, वैसे ही दो ए सी प्लस एक ए सी तीन ए सी, चार बी सी माइनस बी सी तीन बी सी प्लस तीन ए सी, कमन कर लीजिए ए प्लस बी प्लस सी, तीन कमन कर लेंगे तो यहाँ तीन लिख देंगे तो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया आर एच एस बराबर है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो है 13 नंबर क्वेश्चन भी आप सोल्व कर सकते हैं आसानी से। आइए अगला प्रश्न देखा जाए, ठीक है ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यहाँ पे दिया हुआ है इसको वन लाना है आर एच एस में, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, लिखते हैं अप्लाइंग, बहुत आसान है, अप्लाइंग आर वन, आर वन कैसे अप्लाई किया, तो आर वन में से देखिए ऐसे करते हैं, आर थ्री अप्लाई करते हैं, आर थ्री, आर थ्री ये आपका है, पहले आर टू पर चलिए, ये आर टू आपका है, आर टू कैसे अप्लाई किया, तो आर टू में से टू आर वन घटाते हैं, और आर थ्री कैसे बनाते हैं हम लोग,
R3 में से 3R1 घटाते हैं, ठीक है, इसमें से 3R1 घटाते हैं, चलिए तो क्या होगा, 1 1 प्लस पी और 1 प्लस पी प्लस क्यू, चलिए अपने जगह पे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं उसको जानिए बढ़िया से, कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस R2 में से घटा रहे हैं R1 में 2 से गुणा करके, तो 2 दिखाई देगा, 2 गुने 2 2 माइनस 2 0, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 3 माइनस 2 1, 2p 2p 0, ख़त्म हो गया, एक आ गया। और यहाँ यहाँ पे 4 माइनस 2 2, 3p माइनस 2p कितना होगा, p होगा, 2q माइनस 2q 0, ख़त्म। इसमें आइए 3 माइनस 3 0, ये 3 माइनस 3 3 प्लस p 3 हो गया, 6 माइनस 3 3 होगा, 3p माइनस 3p 0, अच्छा 10 माइनस 3 7, 6p माइनस 3p प्लस 3p, अच्छा 3q माइनस 3q 0। अब इसको इवेल्युएट करेंगे कैसे, इसी के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, इसके अलॉन्ग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, डिलीट डेट ही 4 को बच गया, तो बच गया तो क्या मिलेगा, देखिए इससे करेंगे मल्टीप्लाई, इसमें 7 प्लस 3p माइनस 3 दोनों 6 और प्लस 3p, 7 प्लस 3p माइनस 6 माइनस 3p कट जाएगा, 1 1 क्या हो गया आपका, आंसर हो गया। तो ये तरीका रहा, शानदार तरीका रहा, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन का क्या लॉजिक है। 16 नंबर जो क्वेश्चन है ना, वो 4.6 जो पढ़ना है आपको बुक में, उसी के बेस पर दिया गया, उस पर बात करते हैं, ठीक है। एक्चुअली हम 15 नंबर क्वेश्चन के नाम पे 14 नंबर क्वेश्चन को बना दिए हैं, तो सॉरी इसके लिए, बट सोल्यूशन तो हो रहा है ना। चलिए इसको लाना है 0, तो थोड़ा सा एक बात समझते हैं यहाँ पे, थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, देखिए कैसे। यहाँ देखिए साइन अल्फा लिखा हमने, कॉस बीटा, कॉस अल्फा, ठीक है ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसको तोड़ेंगे फॉर्मूला, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा हो जाएगा, माइनस होता है साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा, साइन बीटा लिखेंगे यहाँ पे, कॉस बीटा लिखेंगे यहाँ पे, कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, साइन गामा भी है यहाँ पे, कॉस गामा इंटू कॉस डेल्टा माइनस साइन बी गामा इंटू साइन डेल्टा। अब देखिए एक बात समझते हैं, देखिए ये आपका C1 है और ये C3 है, ऐसे करते हैं कि लिखेंगे अप्लाइंग C3 को अप्लाई करें, इसमें कुछ ऑपरेशन करने जा रहे हैं। अगर हम लोग C3 में जाके, अगर देखिए इसमें गुणा करते हैं साइन डेल्टा से, तो क्या होगा, ये साइन डेल्टा साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा हो जाएगा, इसमें गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इसको लेके इसमें ऐड करते हैं, तो क्या होता है, कट जाएगा दोनों, क्लियर। तो एक बात ये दिखाई दिया, ठीक है कट जाएगा, तो क्या कर रहे हैं C3 में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं C1 में, इसमें गुना किया साइन डेल्टा से और ऐड कर रहे हैं C1 माने ला के इसमें, तो गुना करने पे ऐड करने पे क्या हो रहा है कि ये पार्ट बिल्कुल कट जा रहा है, कट जाएगा। अच्छा उसके बाद देखिए इसको देखिए इसमें कॉस डेल्टा क्या है, कमन है, तो हम क्यों ना ऐसे करते हैं कि इसमें सबट्रैक्ट कर लेते हैं क्या C2 इंटू कॉस डेल्टा, क्योंकि अगर C2 जो देखा जाए कॉस डेल्टा, C2 में क्या है कॉस अल्फा है, दोनों को ये मिल जाएगा हमको गुणा करने पर, इसमें मल्टीप्लाई करने पर हमको, इसको जब सबट्रैक्ट करेंगे इसमें क्या घटाएंगे तो क्या होगा, कट जाएगा, तो ये जोड़ने पर कट रहा है घटाने पर कट रहा है, तो क्या लिखा हमने कॉस डेल्टा इंटू C2, ऐसे हो जाएगा। अब क्या है समझने का प्रयास करते हैं ध्यान से, जैसे काम किया हमने पूरा जीरो हो गया तो क्या हो गया साइन अल्फा
साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, जीरो जीरो जीरो। अब पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो गया, बराबर आर एच एस प्रूव्ड हो गया, आर एच एस प्रूव्ड हो गया, समझ रहे ना। इस तरीके से हम लोग ये 50 नंबर क्वेश्चन बना लिए। अब 16 की जो बात हम कर रहे थे ना, तो वो आप क्वेश्चन देख सकते हैं कैसे बनेगा, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, ठीक है, और मज़ेदार बात बता रहे हैं आपको। चलिए आइए देखा जाए। अब ये प्रश्न जो है इसको सोल्व करना है, इसमें टेक्निक समझिए। लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन में लेट 1/x को मान लीजिए आप ए, 1/y को मान लीजिए आप बी, एंड 1/z को मान लीजिए आप सी। तो क्या होगा, देयरफॉर ये हो गया 2/x का मतलब क्या है, 2/x का मतलब होता है 2 × 1/x। तो 2a हो जाएगा, इसके 1/x का आप ए लिखेंगे, 2a प्लस 3b प्लस 10z इक्वल टू 4, 4a प्लस माइनस 6b प्लस 5c, जेड नहीं सी हो गया यहाँ पे, c इक्वल टू 1, 6a प्लस 9b माइनस 20c इक्वल टू 2। अब ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे लेट a इक्वल टू क्या होगा, तो 2, 3, 10, 4 − 6 = 5, 6 − 9 − 20, ये मान लेंगे हम, क्या मैट्रिक्स मान लिया हमने एक। b इज इक्वल टू क्या मान लेंगे हम बताइए, क्या 4, 1 और 2, एंड x इक्वल टू क्या मानेंगे, a b और c, ठीक है। अब लिखेंगे नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लेंगे क्या होगा, इसको डिटर्मिनेंट निकालेंगे आप तो क्या मिलेगा। ये चीज़ हम निकाले हुए हैं पहले से, देखिए पहले से निकाले हुए इसलिए हैं कि आपका समय नहीं लगे। तो डिटर्मिनेंट जब निकालने चलेंगे आप तो आ जाएगा 1200, जो जीरो के इक्वल नहीं है, देयरफॉर a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये चीज़ हम निकालें, डिटर्मिनेंट निकालना सिखाएं आपको, एंड एडजॉइंट भी आप निकाल सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ a कितना होगा। जब आप एडजॉइंट निकालेंगे मेरे भाई, चलिए तो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ a जो निकालेंगे अपना, एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा देखिए हम बता रहे हैं आपको, एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा देखिए, हम भी निकाल दिए हैं पहले से, अपने कॉपी में रख दिए हैं निकाल के यहाँ पे, ताकि समय बचे। 75 एडजॉइंट निकालना सिखाएं है ना, 150 उसके बाद 75, 110 उसके बाद −100, ठीक है, उसके बाद 30, उसके बाद क्या होगा तो 72, 0 − 24, ये निकल गया। देयरफॉर ए इनवर्स का वैल्यू क्या होगा, 1/ डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपको निकालना है, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो एंड लास्ट में लिखिएगा x इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स बी होता है। ये चीज़ आपको खुद करना है, इतना जब समय बना लिए इतना नहीं करना पड़ेगा, इतना निकालिएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आएगा आपको, ए का वैल्यू जो आपको मिलने वाला है, ठीक है ना, वो आएगा क्या आपको 1/2 आएगा, डैट मीन्स 1/x इक्वल टू 1/2, इसलिए x इक्वल टू क्या हो गया 2 हो जाएगा। b इक्वल टू क्या आएगा, b इक्वल टू 1/3 आएगा, दैट मीन्स 1/y इक्वल टू 1/3, दैट मीन्स y इक्वल टू क्या होगा 3 होगा, एंड c इक्वल टू क्या होगा तो 1/ यहाँ पे देखिए c इक्वल टू आएगा 1/5, दैट मीन्स 1/z इक्वल टू 1/5, दैट मीन्स 1z इक्वल टू 5। तो ये आपका शानदार तरीके से आंसर हो गया। तो ये समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। तो इस तरह से हमने 16 नंबर का हिंट्स आपको दिया, हमने पूरा टोटली सॉल्व नहीं किया, ठीक है ना। 16 नंबर का हिंट देने के बाद 17 नंबर देखिए क्या है उसको समझ लेते हैं। 17 नंबर ऑब्जेक्टिव, 18 नंबर ऑब्जेक्टिव है, दोनों ऑब्जेक्टिव को आप खुद बनाएंगे क्योंकि उसमें मतलब कि क्या है दिखना ज़रूरी है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव, ठीक है।
तो 17 नंबर यहाँ तक आपको हमने बताया, 16 नंबर तक बना दिया, 17 नंबर 18 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो है उसके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।